अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ। सुनो, कुछ लोग बोलते हैं कि जाहिल होना अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। जाहिल होना यानी क्या? इग्नोरेंट होना बोलते हैं। अच्छा सुनो क्या बोलते हैं, क्योंकि आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, सही भी मालूम होना चाहिए, गलत भी मालूम होना चाहिए, ताकि गलत से बच सके। गलत करने के लिए नहीं, गलत से बचने के लिए। क्या होते बोलते हैं मालूम है? कि हम लोग जाहिल अच्छे बोलते हैं कि अगर इल्म आएगा तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, जाहिल है तो हम कहेंगे अल्लाह मुझे मालूम ही नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग? आप में से जो ये सवाल का जवाब देगा ना, तो ये ट्रक उसके पास चल के आ जाएगा। मतलब जवाब कौन जवाब देने वाला? क्या सवाल क्या है? पहले सवाल बताओ, एक मिनट, जवाब बाद में। नहीं, जवाब बाद में, पहले सवाल। सवाल क्या है? सवाल क्या है फिर से बताओ? इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है, जरूरी है, फायदा है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं जाहिल यानी इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी नॉलेज है कि नहीं है? इग्नोरेंट अगर कोई जाहिल है यानी उसके पास इल्म है नहीं है, वो बोलते हैं जाहिल होना अच्छा। क्यों अच्छा? क्यों बोलते हैं? अगर इल्म है तो अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कहा नमाज पढ़ो, हाँ अब नमाज कोई नहीं पढ़ा, बोले अल्लाह मुझे मालूम ही नहीं था नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला ने कहा जकात दो, किसी ने जकात नहीं दिया, बोले अल्लाह मालूम ही नहीं था मुझे जकात देना है। किसी ने अल्लाह ताला ने कहा रोजा रखो, और कोई है जो रोजा ही नहीं रख रहा, बोले अल्लाह मालूम ही नहीं था मुझे रोजा रखना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर इल्म आएगा तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हाँ अल्लाह मुझे मालूम था जकात देना है, नमाज पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ा मैं। तो वो लोग बोलते हैं कि उससे अच्छा हम लोग जाहिल रहेंगे, हम लोग इग्नोरेंट रहेंगे, तो फिर हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ सही बात है, गलत बात है? गलत बात है। अब आप में से जो ये सवाल का जवाब देंगे उनके पास ये ट्रक आने वाली। गलत बात। गलत बात। क्यों गलत है? एक मिनट रुको रुको, पहले मैं चाहता हूँ कि आप में से कौन जवाब देने वाले, जरा हाथ उठाओ। आप तीन जवाब देंगे, आप ट्राई करेंगे आपको ही मिलेगा चांस। चलो नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह घूम के वापस आएंगे। कौन बताएगा? आप बताओगे? चलो बोलो क्यों गलत है? क्योंकि है ना, जब हम लोग इग्नोर करते ना तब कोई हम लोग से बात नहीं करता, और अगर हम लोग अल्लाह के साथ ऐसा करेंगे तो है ना हम लोग को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अच्छा देखो ये ना, आप बात याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं इंसानों के साथ, लेकिन इंसान ही है जो गलत काम करते हैं। हाँ तो अल्लाह ताला के तल्लुक से ज़्यादा ये बातें याद रखो कि अल्लाह ताला नेमत देने वाला, एहसान देने वाला है। अच्छा अब जो इग्नोर के बारे में कहा ना, इग्नोर करना है, आप बात कर रहे हो, हाँ समूरा मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं सुनू ही नहीं, समूरा इग्नोर किया, वो अलग बात है। यहाँ पर बात ये हो रही है इल्म हासिल करना, नॉलेज। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो ना, आप स्कूल में बुक्स पढ़ते हो? हाँ। बुक्स अगर आप पढ़ो ही नहीं, एग्जाम आ जाए और तैयारी नहीं की हो, पढ़े ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? जीरो मार्क्स मिलेगा। जीरो मार्क्स मिलेंगे और फिर मम्मी लोग चिल्लाएंगे, मम्मी डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि फेल हो जाएंगे, तो एक ही साल बार बार करना पड़ेगा, तो फेल होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। ठीक है, लेकिन ये स्कूल में तो समझ में आता है लोगों को, लेकिन दीन में ही समझ में आता है लोगों को। दीन में क्या बोलते हैं? बोले हम जाहिल है तो अच्छा है। ये सही बात है गलत बात है? गलत बात है। तो क्यों गलत है जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। क्योंकि वो गुनाह है बहुत। ओके चलो अब मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, जवाब याद रखो। हाँ देखो कैसा है मामला, कुरान के अंदर एक आयत है सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम में जो लोग होंगे वो कहेंगे लव कुन्ना नस्मऊ, अगर हम सुनते और ना किलो और सोचते ना कुन्ना फी असहाब सईर, हम ये जलती हुई आग में नहीं होते। अगर हम सुनते और सोचते तो ये जलती हुई आग में नहीं होते। वो लोग क्या करते थे? सुनते ही नहीं थे। आज ना अच्छी अच्छी बातें सिखाओ ना किसी को, जैसे कि अभी सिखाओ ना तो सुनते ही नहीं है। जैसे कि मैं अभी इसको कुछ बोल रही हूँ, अच्छी बात बोल रही हूँ ये सुन रही नहीं है। हाँ नहीं देखो क्या है, आज बहुत सारे लोग बोलते सुनना ही नहीं है मुझे। हाँ अच्छी चीज प्रोग्राम देखकर वो चैनल से चले आते, सुनते ही नहीं, ऐसे नहीं करते। हाँ सुनना है, अच्छी अच्छी बातें
सुनना है, सुनना है। हाँ? और अच्छी बातें इल्म हासिल करना है। क्यों हासिल करना है? क्योंकि इल्म हासिल करना अच्छी बात है, कंपल्सरी। अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी, अल्लाह ने देखने की ताकत दी इल्म हासिल करने के लिए, है ना बच्चा? तो देखो, तो ये लोग जो थे जो जहन्नम में, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सुनते ही नहीं थे तो क्या बोल रहे हैं? काश सुनते, काश हम सुन लेते। और क्या बोल रहे हैं? और ना फिलु, और सोच लेते, सोचते। जैसे कुछ लोग हैं सोचते ही नहीं, बोलेंगे सुन तो लिया लेकिन मैं सोचने वाला नहीं हूँ। हाँ, सुनना भी है और सोचना भी है, सही चीज सीखना है। अब वो लोग सुने भी नहीं, सोचे भी नहीं, तो बच गए वो लोग, बच गए। जहन्नम की आग में बच गए क्या वो? नहीं बचे ना। तो बच्चों देखो, ये जो शैतान है ना, इंसान को बोलता है तुम जाहिल रहो, जाहिल। हाँ, क्योंकि जाहिल रहेंगे ना तो शैतान उनको गलत काम करा और बुरे काम करो, बुरे काम करवा सकता है अगर जाहिल रहेंगे। इल्म हासिल करेंगे ना तो दिल को हिदायत मिलती है। और दो बार सोच लिया करो करने से पहले, सोचो, गलत काम मत करो, सही चीज का इल्म हासिल करो। तो बच्चों ये बात है, इल्म हासिल करना चाहिए। ये चंद बातें हम सबके लिए, ये इल्म हासिल करने का सफर है, ये प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम इल्म हासिल करने के लिए है। तो ये चंद बातें हम सबके लिए, अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया, बेनिफिशियल नॉलेज अल्लाह ताला हम सबको दें, और हम सबको इल्म सीख कर उस पर अमल करने की भी तौफीक दें। तो बच्चों देखते रहिए प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम, इल्म हासिल करते रहिए, सीखते रहिए, और जिंदगी के अंदर इस्लाम के कलर्स को दाखिल करते रहें। इस जिंदगी और अच्छी और रंगीन और भलाई और नेकी वाली होती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।